गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप कल क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर चुके थे, आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे जो कि है आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स। तो आज डेट है 22 जुलाई 2020 और डे है वेडनेसडे। तो आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो जैसे कि आपका ये चैप्टर एडिशन का था, इसलिए ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये सब एडिशन के ही क्वेश्चंस हैं। आज आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करना है और नेक्स्ट जो नीचे वाले क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट आप करेंगे। आपको आज 7 तक कंप्लीट करना है। मैं आपको समझा देती हूँ कैसे करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 2576 बॉयज़ एंड 1894 गर्ल्स स्टडिंग इन द स्कूल। वॉट इज़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल्स इन द स्कूल। तो इतने बॉयज़ हैं और इतनी गर्ल्स हैं एक स्कूल में, तो टोटल कितने बच्चे हैं ये बताना है हमें। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन देखा हो आप सभी लोग। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, आपको पहले तो मेन चीज़ें इसमें लिखनी रहती हैं जो आपको क्वेश्चन में दे रखी हैं, जैसे नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल। बॉयज़ इन स्कूल आपके हैं 2576। सेकेंड है नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल 1894। और लास्ट आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पीपल्स इन द स्कूल। तो टोटल नंबर में आप ये दोनों नंबर्स ऐड कर देंगे। देखिए यहाँ पे मैंने ऐड भी किया है, हैंस टोटल पीपल्स इन द स्कूल इज़ इतना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। जो चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी हैं और जो चीज़ पूछी है वो सभी आपको नोट करनी है। फिर सेकेंड है, टोटल मंथली एक्सपेंडिचर इन मिस्टर जैन्स फैमिली इज़ ₹7,385। इफ़ दे सेव ₹1,895 पर मंथ, वॉट इज़ देयर मंथली इनकम। देखिए यहाँ पे एक फैमिली है मिस्टर जैन की, जिनका महीने का खर्चा है ₹7,385 और वो बचा लेते हैं उस मंथ में ₹1,895। तो उनकी सैलरी कितनी है? तो सिंपल सी चीज़ है, इतना खर्चा और इतनी सेविंग, इट मींस इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमारी मंथली इनकम निकल आएगी। किस तरीके से लिखना है मैं आपको बता चुकी हूँ। थर्ड क्वेश्चन है, ऑन कुणाल्स एडमिशन इन अ स्कूल हिज फादर पेड ₹2,758 एज फीस, स्पेंड ₹1,367 ऑन हिज बुक्स एंड 975 ऑन हिज स्कूल यूनिफॉर्म, हाउ मच मनी डेड ही स्पेंड इन ऑल। देखिए कुणाल के एडमिशन में उसके पापा ने इतनी फीस पे की है, इतनी बुक्स के लिए पे की है, इतना पैसा स्कूल यूनिफॉर्म के लिए पे किया है, तो टोटल कितना पे किया है, टोटल खर्चा कितना किया है, तो इन सबको हमें ऐड कर लेना है। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ 4,508 मैन एंड 2,987 वूमेन एंड 1,395 चिल्ड्रन लिव इन अ विलेज, वॉट इज़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज। एक गांव है जिसमें कि इतने आदमी हैं, इतनी औरत हैं और इतने बच्चे हैं, तो टोटल कितने लोग रहते हैं उस गांव में, पॉपुलेशन हमें बतानी है। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके लिए सॉल्व किया है। तो देखेंगे नंबर ऑफ मैन इन द विलेज लिख दिया हमने, सेकेंड नंबर ऑफ वूमेन इन द विलेज, थर्ड नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द विलेज, तीनों चीज़ें लिख दी। लास्ट में हम लिखेंगे टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इक्वल्स टू ये प्लस ये प्लस ये, तीनों को हम यहाँ पे ऐड कराया। देखो मैंने तीनों को हम इस तरीके से ऐड कर देंगे, लास्ट में इतना प्यूप, इस तरीके से लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एन ऑर्चर्ड देयर आर 1,863 कोकोनट ट्रीज, 1,077 मैंगो ट्रीज एंड 978 टैमरिंड ट्रीज एंड 169 ऑरेंज ट्रीज, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन ऑल द ऑर्चर्ड। देखो ये सभी जो ट्रीज दे रखे हैं अलग अलग, ये सभी ट्रीज के नंबर दे रखे हैं और टोटल कितने ऑर्चर्ड में टोटल कितने ट्रीज हैं वो आपको बताने हैं, तो इसका टोटल करना है। सिक्स क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ विजिटर्स टू अ म्यूजियम ऑन 4 कंसिक्यूटिव डेज ऑफ अ वीक वर 2,384, 3,538, 1,835 and 679। इतना विजिटर्स हैं जो कि अलग अलग दिनों में इस नंबर के हिसाब से, जैसे एक दिन में इतने लोग गए, दूसरे दिन में इतने, तीसरे में इतने, चौथे में इतने,
इट रिमेंड क्लोज फॉर नेक्स्ट 3 डेज. हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 4 दिन वो लोग घूमते हैं और 3 दिन क्लोज रहता है म्यूज़ियम. तो कितने लोग हैं, टोटल विजिटर्स कितने हैं, वीक में कितने विजिट करते हैं, वो आपको टोटल नंबर बताना है. तो ये सारे नंबर आपको यहाँ पे ऐड कर देना है. नेक्स्ट क्वेश्चन 7th वाला है आपका. इन अ स्कूल लाइब्रेरी देयर आर 1968 बुक्स ऑन इंग्लिश, 2056 बुक ऑन तमिल, 1735 बुक्स ऑन मैथमेटिक्स, 876 बुक ऑन साइंस एंड 1608 बुक्स ऑन द अदर सब्जेक्ट्स. हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन ऑल इन द लाइब्रेरी. ये आपको अलग अलग बुक्स दे रखी हैं और लास्ट में आपसे पूछा गया है कि लाइब्रेरी में टोटल कितनी बुक्स हैं, तो इन सबको आप ऐड कर देंगे. ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाने के लिए किया है. देखिए, तो सबसे पहली लाइन में मैंने लिखा है इन अ स्कूल लाइब्रेरी नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स, नंबर ऑफ तमिल बुक्स, नंबर ऑफ मैथ्स बुक्स, नंबर ऑफ साइंस बुक्स और नंबर ऑफ अदर सब्जेक्ट्स और लास्ट में टोटल बुक्स इन द लाइब्रेरी. इन सभी नंबर्स को हम ऐड कर देंगे जो कि हमारा आंसर इतना आएगा, इतना बुक्स आंसर. तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट करना है इसी तरीके से और 8 क्वेश्चन से मैं आपको कल बताऊंगी. और ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको नोटबुक पे अभी दिखाए हैं इसकी पिक्चर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगी. और फेयर नोटबुक पे आप करेंगे एक्सरसाइज 9 डाल के क्वेश्चंस करेंगे. पहले क्वेश्चन डालेंगे उसके बाद इसका सॉल्यूशन डालेंगे. थैंक यू.